एक युवक ने अपनी ही बहन की सहेली से घर में घुसकर बलात्कार किया। इसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भरकर फोटो खींच लिए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार अस्मत लूटी। युवती की सगाई कहीं और तय हो गई तो आरोपी ने मंगेतर को फोटो भेज दिए, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने सगाई तोड़ दी। भवरकुआ पुलिस के मुताबिक पालदा की रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने आरोपी कुणाल पिता राजेश संकत निवासी शुक्ला नगर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पीड़िता के मुताबिक 2 साल पहले जब वह 10वीं कक्षा में थी, उसी दौरान आरोपी से उसकी पहचान हुई थी। वह उसकी सहेली का भाई है। 21 दिसंबर 2020 की दोपहर को आरोपी जबरदस्ती पीड़िता के घर में घुस गया था और उसका रेप किया। इसके बाद उसकी मांग भर कर तस्वीरें ले ली। फिर आरोपी कुणाल उसे ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक शोषण करता रहा। तंग आकर पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने भी उसे समझाया, लेकिन सिरफिरा आरोपी नहीं माना। पीड़िता ने बताया इस बीच उसकी सगाई बाणगंगा में हो गई। ये बात आरोपी को पता चल गई तो 25 फरवरी को उसने बाणगंगा में रहने वाले उसके मंगेतर को फोटो भेज दिए और कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसके बाद पीड़िता के मंगेतर ने सगाई तोड़ दी। मंगलवार को पीड़िता ने भवरकुआ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक छात्रा आई थी कक्षा 10वीं की, उसने बताया कि एक कुणाल नाम का लड़का है जो उसको परेशान करता था और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे और शारीरिक संबंध बनाने के उसने फ़ोटो खींच रखी थी। वो फ़ोटो दिखाकर उसके साथ ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाता था। अब उसकी बच्ची की सगाई हुई थी तो सगाई में उसके मंगेतर को इसके द्वारा वो फ़ोटो भेजे गए जिससे उसकी सगाई टूट गई। उस पर से आज रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट पर कुणाल को आज गिरफ्तार किया गया।